बिल्कुल भाई फ्रेंड, दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे एनटीपीसी एनटीपीसी के बारे में, रेलवे के बारे में बात करेंगे। स्टेटस लिंक आपको अपडेट कर दिया गया है, जल्दी से अपना चेक कर लो किसके किसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ, किसके किसके प्रोविजनली एक्सेप्ट हुआ। ठीक है ना, बहुत से बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है और उसमें कारण भी दिया। ठीक है ना, जिस बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट हुआ उसका कारण दिया। मैक्सिमम बच्चे अभी तक जितना चेक किए हैं रिजेक्ट हुए हैं, और किस में रिजेक्ट हुए हैं, फोटो याद रखना, फोटो में रिजेक्ट हुए हैं। ठीक है ना, और डिटेल्स में रिजेक्ट हुए हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका निवास प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें जो लगी थी, जाति प्रमाण पत्र संख्या उसमें गलत थी, मैच किया गया, उसमें रीजन के साथ दे दिया है कि आपका प्रोविजनली रिजेक्ट हो गया है। अब मतलब जो इस बार रिजेक्ट हो जाएगा वो एग्जाम को नहीं दे पाएगा, फाइनली है। ठीक है ना, फाइनली। उसके बाद आगे क्या सोचती है रेलवे, आगे बताएंगे जब कोई सोल्यूशन होगा। तो बाकी यहाँ पे बहुत से बच्चे रिजेक्ट हो गए हैं, और अपना जल्दी से जाके चेक करो, लिंक एक्टिवेट हो गया है। और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके अपना जल्दी जल्दी मिला लो। और जो भी बच्चा रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गया होगा, अभी हम बताने वाले हैं कैसे आपको निकालना है, उसको भी दिखा देंगे। और आपका बहुत से प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम को भी दिखाने वाले, कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है रिजल्ट, उसको स्टेटस देखने में कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसको बताने वाले हैं। पहले एप्लीकेशन जल्दी से रीड करते हैं। नोटिस ऑन द एप्लीकेशन स्टेटस देख लीजिए, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर CEN नंबर 01/2019, नॉन टेक्निकल, या देखिए नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी NTPC, ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट दोनों के लिए है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए बीट CEN नंबर 1/2019 इश्यूड 28/2019 एप्लीकेशन वेयर इन्वाइटेड फॉर वेरियस बोर्ड, यानी NTPC की बात हो रही है। यहाँ देखिए नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज NTPC और ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट दोनों के लिए बात की गई है। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रोविजनली एलिजिबल एंड उसके बाद रिजेक्टेड। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है अलॉन्ग विथ रीजन फॉर रिजेक्शन, यानी आपको रीजन के साथ बताया जाएगा कि आपका फॉर्म किस कारण रिजेक्ट हुआ है। अभी हम आपको चेक करके दिखाते हैं। स्टेटस एप्लीकेशन कैन बी व्यूड थ्रू लिंक यानी प्रोवाइड ऑन द वेबसाइट RRBs। ठीक है, रिस्पेक्टिव RRBs आपको दिखाते हैं फटाक से। यहाँ देखिए उसके बाद दो में देखिए मैसेज एंड ईमेल विल बी सेंड द कैंडिडेट रिजेक्ट, या देखिए रजिस्टर मोबाइल नंबर, आपने जो मोबाइल नंबर दिया था और ईमेल आईडी पे आपके वहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको रिजेक्ट हुआ किस कारण हुआ सब कुछ आपको बताया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे, यहाँ पे देखिए स्टेटस एप्लीकेशन कैन बी व्यूड एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा इसको देखने के लिए, स्टेटस को और डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। अगर आपके पास दोनों नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए, तो आपको बता रहे कैसे देखना है। लिंक आगे देखिए द लिंक विल बी एक्टिवेट, यानी एक्टिव जो हो जाएगा लिंक 21 तारीख, आज एक्टिवेट हो चुका है और 30 तक एक्टिवेट रहेगा, उसके बाद आप चेक नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, 30 सितंबर तक इसको आप कंटिन्यू चेक कर सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं पूरे RRBs वेबसाइट दिखाते हैं आपको। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आप सरकारी रिजल्ट पे जाएंगे। सरकारी रिजल्ट पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए आप सरकारी रिजल्ट पे जाएंगे, तो सरकारी रिजल्ट पे आप क्लिक करेंगे, NTPC का आपको सबसे पहले ऊपर दिया है उस पर क्लिक करेंगे। आप डेस्कटॉप माउंट पे कर लेना, ठीक है ना, डेस्कटॉप यहाँ पे ऑप्शन आता है, 3 डॉट बना रहता है, उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे लिखा रहेगा डेस्कटॉप, उस पर क्लिक कर लेंगे तो ऐसे आपका बन के आ जाएगा पूरा। ठीक है ना, और आपको चेक कैसे करना है, वहाँ लिखा देखो एप्लीकेशन स्टेटस लिखा है ना, सेम ऐसे ये सब छोड़ देना, खाली एप्लीकेशन स्टेटस लिखा होगा तो आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है ना, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद इस पेज पर पहुँचाएंगे। यहाँ पर देखिए जब उस पर क्लिक करेंगे उसके बाद ऐसे आपको पूरा जितना सा देखो RRB एप्लीकेशन स्टेटस जितने भी सारे बोर्ड हैं आपको दिख जाएंगे, जिस भी बोर्ड से आप भरे होंगे उस बोर्ड को क्लिक करिएगा। जैसे एग्जांपल अहमदाबाद का बच्चा हो तो यहाँ अहमदाबाद का क्लिक करेगा, इलाहाबाद से भरे फॉर्म को इलाहाबाद क्लिक करेंगे, बंगलोर वाले बंगलोर क्लिक करेंगे। मतलब आप कहीं पर फॉर्म भरे, जैसे हमारे जब बंगलोर से हैं आप भरने हैं, भरे हैं चेन्नई में, तो चेन्नई यहाँ पर क्लिक करके देखेंगे। ठीक है ना, अपने स्टेटस यहाँ पर चेन्नई में क्लिक करके देखेंगे, जो भी जिस RRB से भरा होगा उस पर क्लिक करेगा। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए RRB पर हम क्लिक करते हैं, क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे देखिए जैसे क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा। ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डाल दीजिएगा। ठीक है ना, उसके बाद अपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो डेट ऑफ बर्थ ऑप्शन आएगा, उसमें सेलेक्ट करिएगा। ठीक है ना, उसको भर दीजिएगा। कैप्चा आपको दिख रहा होगा, कैप्चा इस लाइन में भर दीजिएगा जो जो लिखा है UCEAA, इसको भरने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका पूरा स्टेटस वहाँ पे लिखा रहेगा रिजेक्टेड, रिजेक्टेड लिखा रहेगा तो समझो फाइनली अब रिजेक्ट हो गए हैं। बाकी वहाँ पे देखिए वहाँ पे लिखा रहेगा प्रोविजनली एक्सपेक्टेड, ग्रीन ग्रीन में लिखा रहेगा, समझो आप लोग सही हो, अच्छे से एग्जाम आपको दे पाओगे, आराम से आपका प्रोविजनली रेलवे की तरफ से एक्सेप्ट कर लिया गया, हमको रिजेक्ट नहीं किया गया है वो लिखा रहेगा। ठीक है ना, आपको दिखाते हैं आगे। वहाँ पे देखिए आगे अगर ऐसे डालने के बाद आपके आता है मोबाइल में, जैसे मान लीजिए अपना एप्लीकेशन नंबर सही डाल दिए, रजिस्ट्रेशन नंबर सही डाल दिए, और जैसे ही लॉगिन किए आपको लिखा आ रहा है एक्सपेक्टेड एरर ट्राई अगेन, और अलर्ट इन्फॉर्मेशन, अलर्ट सूचना, और यहाँ पे लिखा होगा क्लोज बंद, तो आप कोई भी बच्चा नहीं डरेगा। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि आपका एरर है, मतलब ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो, मतलब वेबसाइट पे लोड हो चुका है इसलिए ऐसा बता रहा है। ठीक है ना, कोई भी बच्चा नहीं समझेगा एक्सपेक्टेड अगर एरर आ गया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ नहीं, जब तक उसमें रिजेक्ट क्लिक किया आएगा नहीं तब तक आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि थोड़ा सा एरर है, यानी वेबसाइट की तरफ से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाकी एक तो एक प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना, जब आप डालेंगे सही इन्फॉर्मेशन डाल देंगे ये बताएगा। ठीक है ना, नहीं तो आपका तुरंत खुल जाएगा, अच्छा नेटवर्क होगा तो अच्छे से खुल जाएगा, बाकी ट्राई अगेन करते रहना। बाकी वहाँ पे एक्सपेक्टेड लिखा रहेगा, बाकी एक्सेप्ट कर लिएगा फॉर्म, जहाँ पर रिजेक्ट होगा वहाँ पर रेड से लिखा रहेगा रिजेक्टेड। ठीक है ना, आगे दिखाते हैं, और एक एक तो ये बताएगा आपको और आगे बताएगा देखो।
और आगे यहीं पे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरें, कैप्चा भरें, गलत हो गया एकाध कैप्चा, तो उसमें मिसमैच लिखे आएगा, ठीक है ना। मिसमैच लिखे आएगा तब भी मत डरना। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट बात करते हैं किसकी, जिस भी बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर खो गया है, उसको नहीं पता है, भूल गया है, कहीं पर रखा है, उसको कुछ भी नहीं पता है, तो आप कैसे निकालेंगे, आप अपना स्टेटस कैसे चेक करेंगे, आपको बताते हैं। देख लीजिए, जब आप फॉर्म भर रहे होंगे, जब ऐसे खोलेंगे अपने RRB से, तो नीचे देखो लिखा है फारगेट रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पता ही नहीं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। इस पर क्लिक करेंगे तो डिटेल भरने के लिए आएगा आपको। यहाँ भी देखिए, जैसे क्लिक करेंगे, जिस भी RRB से आप भरे होंगे और रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं, तो जैसे क्लिक करेंगे उस पर फारगेट रजिस्ट्रेशन नंबर पर, तो आपको रजिस्ट्रेशन यानी जो ईमेल आईडी है, आपको ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, उसके बाद जो कैप्चा दिख रहा है यहाँ पे भरना पड़ेगा, उसके बाद गेट डिटेल पर क्लिक कर देना, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको शो कर जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर को स्क्रीन शॉट ले लेना या फिर उसको याद कर लेना। याद करने के बाद फिर उसके बाद बैक चले आना, देखो बैक आ गए, फिर उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो गया। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालिए, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, कैप्चा यहाँ पे भरा यहाँ पे डालिए, और लॉगिन कर दीजिए, आपका पूरा एप्लीकेशन स्टेटस आपको दिख जाएगा, एक्सेप्ट हुआ रिजेक्ट हुआ, ठीक है ना। बाकी ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, जल्दी से इसको शेयर कर दो ताकि कोई भी बच्चा छूटे ना, सब लोग जल्दी जल्दी अपना चेक कर लो। लिंक किसी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कहीं पर मजा ना यहीं से चेक कर लेना, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।